नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज है डबल हेडर्स का दिन, यानी कि आज खेले जाएंगे दो मैच। और आज का जो पहला मैच है पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, जिसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आपको क्या कुछ इस मैच में करना है। देखिए कल का जो मैच रहा वो बहुत शानदार रहा। मैंने आपको बोला था टिम डेविड को लेके कि रोमन पोवेल वाला सीन है वो टिम डेविड क्रिएट कर सकता है अगर एमआई की टीम पहले बैटिंग करती है, और जो टिम डेविड है उसने बहुत बढ़िया फिनिश किया। मैंने आपको यह भी बोला था मोहम्मद शामी को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, हमने मोहम्मद शामी को भी ड्रॉप किया। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, आपको बहुत सारे YouTube चैनल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे Telegram चैनल्स मिल जाएंगे। आप किसी भी Telegram चैनल को उठा के देख लीजिए, आपको 95% जो Telegram चैनल्स होंगे वो ऐसे मिलेंगे जो सिलेक्शन वाइज आपको टीम प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि मैक्सिमम सिलेक्शन किन 11 प्लेयर्स का आ रहा है वो 11 प्लेयर्स आपको दे देंगे। ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कभी कभी वो सिलेक्शन वाली टीम भी काम कर जाती है, लेकिन उसको पता है वो सिलेक्शन वाली टीम क्यों देता है, क्योंकि उससे आपका लॉस नहीं होता है और वो एक एक्सपर्ट बनके बैठा रहता है। तो यही चीज बोलूंगा, वीडियो में भी मैंने बहुत मेहनत की है, 200% आपके लिए मेहनत करता हूं, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब आप लोग विन करते हो, और आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आज का जो पंजाब वर्सेस राजस्थान, क्या कुछ आपको करना है अगर आप लोग ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग कोई भी खेल रहे हो, एक बार विदाउट सेकंड स्किप किए वीडियो पूरा देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई आपको आखिर इस मैच में करना क्या है, आपकी फैंटेसी की टीम कैसी होनी चाहिए, किसको ड्रॉप करना है, क्यों ड्रॉप करना है। तो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से देखिएगा, यहां से दोस्तों पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स इस मैच को लेकर डीपली कवर करें, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वहां पर आपको देखिए फर्दर जो भी अपडेट्स आती है वो वहां पर मिल जाएगी, प्लस जो फाइनल टीम होगी उसके बाद जो मैं टेलीग्राम पे देता हूं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ना है बहुत जरूरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यहां पे दोस्तों वेन्यू को लेके बात करते हैं, देखिएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेके देखिए, रिसेंट के जो लास्ट के कुछ मैचेस यहां पे देखने को मिले ना, वो थोड़े से हाई स्कोरिंग प्लस लो स्कोरिंग वो मिक्सिंग में चल रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि बैट्समैन प्लस बॉलर्स दोनों के लिए सपोर्टेड पिच रही है अभी तक, है ना। वो अब के मैचेस में दोनों को सपोर्ट कर रही है, जो ज्यादा इंपैक्ट वाला, जो ज्यादा पोटेंशियल वाला प्लेयर है वो यहां पे परफॉर्म कर पा रहा है। देखिए मुंबई के जो वानखेड़े के पीछे, वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि शुरुआत में स्विंग काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन दोस्तों ये आफ्टरनून का मैच है तो कहीं ना कहीं जो स्विंग है वो आपको थोड़ा सा लेस देखने को मिलेगा, और स्पिनर्स यहां पे गेम में रहेंगे। आफ्टरनून का मैच है, स्पिनर्स यहां पे गेम में रहेंगे। बाकी मैच जहां तक मुझे लग रहा है 170 के करीब वाला ये मैच होना चाहिए, 170 और 180 के करीब वाला ये मैच है जो कि होना चाहिए। यहां पे देखिएगा मैं आपको सारे मैचेस दिखा देता हूं, ये इसी सीजन के सारे मैचेस है। यहां पे देखिए लो स्कोरिंग, एवरेज लो स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, एवरेज हाई स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, उसके अलावा यहां से अगर आप लोग देखोगे तो आपको सारे मैचेस दिख जाएंगे। हाई स्कोरिंग ये एवरेज रहा, उसके बाद ये हाई स्कोरिंग रहा, ये हाई स्कोरिंग रहा, ये आप देख सकते हैं लो स्कोरिंग रहा, ये बीच में हाई स्कोरिंग, ये वापस लो स्कोरिंग, तो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, यानी जो प्लेयर्स की इंपैक्ट है, जो प्लेयर्स की पोटेंशियल है वो डिसाइड कर रहा है कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कितने रन यहां पे बनेंगे। क्योंकि केएल राहुल जो कंसिस्टेंस प्लेयर है, जब उनकी टीम का मैच हुआ 195 तक चले गए, तो यही चीज है कि इंपैक्ट वाले प्लेयर्स यहां पे अच्छी परफॉर्म करेंगे, बस शुरुआत के ओवर्स को निकालना बहुत थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन इवनिंग वाले मैच में, ये आफ्टरनून का मैच है। यहां पे भी देखोगे भाई, यहां पे देखिए फास्टर्स ने डोमिनेट किया स्पिन को, 2 विकेट यहां पे भी फास्टर्स ने किया स्पिन को, यहां पे स्पिनर्स ने भी डोमिनेट किया, तो स्पिनर्स ये आफ्टरनून का मैच है, तो जहां तक
पॉसिबल होगा, स्पिनर्स गेम में रहेंगे, आप ये कर सकते हो, दो फास्टर्स प्लस दो स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो। काफी मैचेस यहां पे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पिच है वो आपको स्लो देखने को मिलेगी, तो स्पिनर्स यहां पे गेम में आपको दिख सकते हैं। पंजाब की प्लेइंग 11 दोस्तों, पंजाब की प्लेइंग 11 में शिखर धवन, जोनी बेस्टो लास्ट टाइम ओपन करने आए थे, आई होप कि इस मैच में भी ओपन करें, बट मयंक अग्रवाल ओपन कर सकते हैं, इंटरचेंजेस हो सकते हैं। भानुका राजपक्सा, लिविंगस्टोन, मयंक अग्रवाल, जितेश शर्मा, कगिजो रबाड़ा, ऋषि धवन, अर्शदीप सिंह, राहुल चारोर, संदीप शर्मा, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। रबाड़ा, संदीप शर्मा जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, प्लस रबाड़ा और अर्शदीप सिंह जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं पंजाब के लिए, इस चीज का ध्यान में रखना। फुल स्टैट्स प्लस इन्फो की बात करते हैं दोस्तों, शिखर धवन आप देखोगे एवरेज 30 का रहता है हेड टू हेड में, वेन्यू पे आप देखोगे 50 का, बहुत शानदार एवरेज, सीजन काफी बढ़िया जा रहा है, लास्ट मैच में 62 रन बनाए, कैप्टनसी मैटेरियल रहेंगे, बट एक चीज बोलूंगा, जहां पे आप लोग ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना रहे हो वहां पे आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो शिखर धवन को, स्मॉल लीग में आपके लिए सेफ रहेंगे। यहां पे जोनी बेस्टो लास्ट मैच में एज ए ओपनर आए दोस्तों, अगर जोनी बेस्टो अगेन ओपन करते हैं, यहां पे आप देखोगे ना हेड टू हेड 25 का एवरेज रहता है, 4 मैच में 101 रन बना चुके हैं, वेन्यू पे 6 रन है, यहां पे अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स निकली नहीं है, लेकिन आज ही आफ्टरनून का मैच है, अगर ओपन करने के लिए आते हैं आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर रहेंगे, और आप लोग वहां पे जीएल में इनको सीवीसी भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। भानुका राजपक्सा एक वो प्लेयर आप लोग मान सकते हो कि जो ना कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी रहती है, हिट एंड मिस वाला केस है, परफॉर्म करते हैं तो बहुत मतलब आपको लाजवाब पॉइंट्स देके जाएंगे, बट कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी रहती है। यहां पे आप लोग देखोगे T20 में 26 का, वेन्यू पे 2 मैच में 73 रन बना चुके हैं, यानी कि वेन्यू पे अच्छे दिखे हैं, वन डाउन के बैट्समैन है, लियाम लिविंगस्टोन गेंदबाजी प्लस बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, इंपोर्टेंट प्लेयर है, आपको 20-25 रन भी अगर ये बना के देंगे ना आपको 40-50 पॉइंट देके जाएंगे, तो ये एक इंपोर्टेंट प्लेयर है, यहां से आप लोग देख सकते हो सीजन काफी बढ़िया जा रहा है। यहां पे शुरुआत के मैचेस बीच बीच में थोड़े से लो स्कोरिंग ये इनके दिखे, बट प्लेयर शानदार है, इंपैक्ट वाले प्लेयर है। उसके अलावा यहां से आप देखोगे मयंक अग्रवाल, दोस्तों मयंक अग्रवाल अगर इसी पोजीशन पे आते हैं एज ए ओपनर, मयंक अग्रवाल नहीं खेलते हैं वहां पे आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो, आप 32 का एवरेज आपको दिखेगा, सीजन उतना खास नहीं रहा, यहां पे एक इनिंग्स ये 52 वाले निकाल दो, उसके अलावा स्टार्ट मिला है बट बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जितेश शर्मा एक नीचे के बैट्समैन है, 6 नंबर पे आपको बैटिंग करके देंगे, इंपैक्ट वाले प्लेयर है, लेकिन थोड़ी सी पोजीशनिंग नीचे है, तो स्मॉल लीग के लिए वहां पे रिस्की बन जाते हैं, स्मॉल लीग में आप लोग है वो ड्रॉप कर सकते हो। कंगिजो रबाड़ा दोस्तों देखिए 5 मैच में 9 विकेट, हेड टू हेड में इन्होंने निकाली है, वेन्यू पे देखोगे 6 मैच में 9 विकेट, लास्ट के 2 मैचेस में 4-4 विकेट निकाल चुके हैं। और अगर यहां पे पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करते हैं, इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे और सीवीसी के भी दावेदार रहते हैं। उसके अलावा ऋषि धवन दोस्तों एक डिफरेंशियल पिक आपको दिखेंगे, थोड़ी सी पेस कम है, शायद बैट्समैन ज्यादा टारगेट करने को जाए, ग्रैंड लीग में आप लोग जरूर से ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में शायद मैं इनको ड्रॉप करके चलूं। उसके अलावा यहां से आप लोग देखोगे ना अर्शदीप सिंह, दोस्तों अगेन मैं आपको बोलूंगा अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाली, गेंदबाजी आप इनकी डेथ में, अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करा रही है उस वक्त आप लोग अर्शदीप सिंह को ले सकते हो, डिफेंस कर रही है उस वक्त आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। हेड टू हेड में देखोगे 4 मैच में 10 विकेट, यानी कि राजस्थान के अगेंस्ट लाजवाब रहती है, लेकिन पहले बॉलिंग के दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग में भी ले सकते हो। राहुल चारोर एक बढ़िया ऑप्शन है और आज ही आफ्टरनून का मैच है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। हेड टू हेड में देखोगे ना 5 मैच में 7 विकेट है, वेन्यू पे 8 मैच में, वेन्यू पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है यहां पे राहुल चारोर को, क्योंकि वानखेड़े पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती नहीं है, बट ये थोड़ा सा आफ्टरनून का मैच है तो आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। संदीप शर्मा शायद शुरुआत में उतना स्विंग वगैरह शायद आफ्टरनून का मैच है तो ना मिले, इसलिए स्मॉल लीग में मैं आपको संदीप शर्मा सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक जीएल पिक बनती है, आपको 1-2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, जीएल पिक आपके लिए बनती है अगर आप लोग लेना चाहो, स्मॉल लीग में शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो। उसके अलावा यहां से अगर आप लोग देखोगे राजस्थान की प्लेइंग 11 देवदत्त पेडिकल, जोस बटलर, संजू सैमसन, करुण नायर, हेटमायर, उसके बाद रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, यूजी चाल, ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप सेन, ये 11 प्लेयर्स है। यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम है ना सिमरोन हेटमायर को काफी नीचे भेजा गया, उनसे पहले रियान पराग भी आ गए, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं। डेथ में ट्रेंट बोल्ट का आजकल थोड़ा सा कम यूज हो रहा है, कुलदीप सेन का भी यूज हो रहा है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट और आप लोग ये बोल सकते हैं कि गेम चेंजिंग वाली चीज हो सकती है।
फुल स्टैट्स की बात करते हैं दोस्तों, देवदत्त पेडिकल और जोस बटलर। देखिए ये जोस बटलर सारो की टीम में आएंगे, 43 का एवरेज रहता है हेड टू हेड में। वहीं पे आप लोग यहां पे देखोगे देवदत्त पेडिकल का 33 का। राजस्थान को खेलना पसंद करते थे लेकिन अभी राजस्थान के लिए ही खेल रहे हैं। वेन्यू पे देखोगे भाई, वेन्यू पे देवदत्त पेडिकल का शानदार एवरेज है। वहीं पे इनका आप लोग देखोगे 37 का एवरेज रहता है। दोनों इंपोर्टेंट प्लेयर दिख रहे हैं, वेन्यू पे दोनों अच्छे हैं, हेड टू हेड में दोनों अच्छे हैं। इनका आप सीजन देखोगे, इनका आप लोग सीजन देखोगे उतना खास नहीं रहा, लेकिन एक इंपोर्टेंट प्लेयर है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि कम से कम अगर आप लोग स्मॉल लीग में ना सही ग्रैंड लीग में आप इनको सीबीसी दे सकते हैं। थोड़ी सी रबाड़ा से दिक्कत रहेगी, रबाड़ा से अगर निकल गए तो उसके बाद बड़ी इनिंग्स निकल सकते हैं। जोस बटलर कैप्टनसी मटेरियल है, सारे लोग कैप्टनसी देके चलेंगे, 50% के करीब इनको कैप्टनसी मिली है, तो ये भी आपके लिए एक सेफ पिक रहेंगे। जोस बटलर आफ्टरनून का मैच है, कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है आफ्टरनून में। फर्स्ट बैटिंग के दौरान जोस बटलर एक इंपोर्टेंट इनिंग्स खेल सकते हैं, सेकंड इनिंग्स में शायद फंस जाए, फर्स्ट इनिंग्स में महत्वपूर्ण रहेंगे। संजू सैमसन एक वन डाउन के बैट्समैन है, हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, वेन्यू पे 41 का एवरेज है, लास्ट मैच में 54 करके आ रहे हैं। अगर आप लोग लेके जाना चाहो इजीली आप लोग है वो संजू सैमसन को लेके जा सकते हो। राहुल चार स्पिनर्स के कहीं ना कहीं दिक्कत रहती, वैसे दिक्कत रहती नहीं है लेकिन दो तीन ऐसे स्पिनर्स रहते हैं वहां पे संजू सैमसन को प्रॉब्लम होती है। करुण नायर आप अगर जीएल में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बैटिंग पोजीशन इनकी ऊपर नीचे आपको दिखेगी क्योंकि ये टू डाउन के कंफर्म बैट्समैन नहीं है। सिमरन हेटमायर दोस्तों, अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपके लिए एक अच्छे फिनिशर है। ज्यादा गेंदें इनको मिली नहीं है अभी तक खेलने के लिए, यहां पे 17 का एवरेज इनका हेड टू हेड में, वेन्यू पे 43 का। अभी तक बढ़िया इनिंग्स खेली है, लास्ट मैच में भी 27 रन नाबाद करके गए, ज्यादा बॉल्स इनको नहीं मिल रही है लास्ट मैच में, तो पराग भी इनसे ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गए। फर्स्ट बैटिंग करती है राजस्थान की टीम उस वक्त ट्राई करना रियान पराग। अगर सिमरन हेटमायर से ऊपर आते हैं तो फिर आप लोग सिमरन हेटमायर को क्यों ट्राई करो, फिर आप रियान पराग को। देखिए इन दोनों में से कोई भी ऊपर आता है ना आप उनको लेके चलिएगा अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, इस चीज का ध्यान रखना। रविचंद्रन अश्विन जो आपको कहीं ना कहीं बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देखे जाते हैं, 18 मैच में 18 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 18 मैच में 14 विकेट, एक इंपैक्ट वाले प्लेयर है। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला और हमारी टीम में भी नहीं थे, शायद मैं आज भी स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप कर दूं। उसके अलावा युजवेंद्र चहल, देखिए युजवेंद्र चहल का सीजन काफी बढ़िया जा रहा था, यहां पे हेड टू हेड में देखोगे 16 मैच में 25 विकेट निकाल चुके हैं, वेन्यू पे देखोगे 11 मैच में 14 विकेट निकाल चुके हैं। यहां पे देखिएगा विकेट्स काफी मिले लेकिन लास्ट के 3 मैचेस से भाई युजवेंद्र चहल थोड़ा सा अपने आप को बैक नहीं कर पा रहे हैं, बैकफुट पे दिखे विकेट्स नहीं मिल रही है, लेकिन आज के मैच में अच्छे करने के संकेत है युजवेंद्र चहल के। प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास एक ऑप्शन है, अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग कर जाए भाई ले लेना टीम में, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में 5 मैच में 8 विकेट निकाल चुके हैं, वेन्यू पे 8 मैच में 7 विकेट, इंपैक्ट वाले प्लेयर है। ट्रेंट बोल्ट को भी लास्ट के कुछ सीजन से, लास्ट के कुछ मैचेस से विकेट मिले नहीं है, सिलेक्शन घटेगा, सिलेक्शन परसेंटेज ट्रेंट बोल्ट का घटेगा, लेकिन वही सिलेक्शन परसेंटेज आपका अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाएगा। 9 मैच में 8 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 8 मैच में 8 विकेट। उसके अलावा कुलदीप सेन आपके पास एक ऑप्शन है, आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, जीएल के लिए काफी इंपोर्टेंट। अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करती है तो जीएल के लिए एक इंपोर्टेंट पिक आपके लिए बन सकते हैं कुलदीप सेन, तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां से देखोगे हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे पंजाब की टीम है वो सॉरी राजस्थान की टीम जीती थी, जहां पे जायसवाल थे 49 के, लॉम्ब्रोर है नहीं, अर्शदीप सिंह को 5 विकेट यहां पे मिली थी, शामी जो है नहीं, अग्रवाल 67 रन, केएल राहुल है नहीं, त्यागी को 2 विकेट जो है नहीं, तेवटिया को यहां पे 1 विकेट। काफी चेंजेस हो चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बोला। यहां पे आप लोग देखोगे तो यहां पे भी राजस्थान की टीम जीती थी, सॉरी पंजाब जीती, राहुल थे यहां पे, हुड्डा भी थे जो कि अभी नहीं है, सकारिया भी नहीं है, मोरिस भी नहीं है, सैमसन ने यहां पे 119 रन किए थे, यानी कि सैमसन ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। पराग ने 25, अर्शदीप सिंह को 3 विकेट, मोहम्मद शामी को 2 विकेट जो है नहीं। यहां पे ओवरऑल देखोगे भाई, यहां पे एक तो संजू सैमसन अच्छा दिखे, एक यहां पे अर्शदीप सिंह का नाम, यहां पे 3 विकेट, यहां पे 5 विकेट, और यहां पे अगर आप लोग देखोगे मयंक अग्रवाल का भी नाम दिखा है, तो ये 3 प्लेयर यहां पे अच्छा दिख रहा है। मयंक अग्रवाल अगर ऊपर आते हैं, अगर नीचे चले जाते हैं जोनी बेस्ट ओपन करते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ऊपर आते हैं उस वक्त आप लोग मयंक अग्रवाल को ले सकते हो। बाकी अर्शदीप सिंह 8 विकेट लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने हेड टू हेड निकालिए, लाजवाब है। उसके अलावा यहां से आप लोग देखोगे प्लेयर्स बैटल में देखिएगा, प्लेयर्स बैटल में एक तो युजवेंद्र चहल से प्रॉब्लम हुई मयंक अग्रवाल को, मयंक अग्रवाल स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, जहां तक मुझे लगता है वो ओपन करने चाहिए क्योंकि बाद में स्पिनर के सामने शायद उतनी बढ़िया बैटिंग ना कर पाए। 5 बार विकेट दिया युजवेंद्र चहल को। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को 3 बार विकेट दिए भाई, आप लोग देखते जाइएगा 35 में 55। ट्रेंट बोल्ट को विकेट नहीं दी, पिटाई है क्योंकि ये तेज गेंदबाज है। प्रसिद्ध कृष्णा को 1 बार विकेट दिए और 44 रन, यानी कि स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया है, मतलब
पेसर्स को अच्छा, स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। शिखर धवन की बात करते हैं, चहल ने दो बार, रविचंद्रन अश्विन ने तीन बार आउट किया है। मतलब शिखर धवन भी राजस्थान के जो दोनों गेंदबाज हैं उनके सामने कहीं ना कहीं फंसे हैं, अपनी विकेट फेंकी है। ट्रेंट बोल्ट के सामने भी फंसे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के सामने फंसे हैं। तो भाई देखिए, लोग इनको कैप्टनसी देके आएंगे, लेकिन राजस्थान की जो गेंदबाजी है उनके सामने शिखर धवन का क्या कुछ कर सकते हैं वो सामने है आपके। उसके बाद जोनी बेस्टो का नाम आता है, युजवेंद्र चहल ने दो बार, इनको भी स्पिनर से दिक्कत रहती है। रविचंद्रन अश्विन को इनकी विकेट नहीं मिली, ट्रेंट बोल्ट ने दो बार और प्रसिद्ध कृष्णा को इनकी विकेट नहीं मिली, इनको भी स्पिनर से दिक्कत रहती है। लियाम लिविंगस्टोन की बात करते हैं, जिमी निशम जो खेल नहीं रहे, दो विकेट, बाकी सबको अच्छा खेले। युजवेंद्र चहल ने पांच बॉल में एक रन, एक मरतबा आउट, युजवेंद्र चहल फंसा सकते हैं। संजू सैमसन, यहां पे देखोगे राहुल चहर को अपनी एक बार विकेट दिया लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़ी है। रबाडा के सामने एक बार आउट है, संदीप शर्मा के सामने दो बार आउट है, उसके अलावा यहां से देखोगे अर्शदीप सिंह के सामने एक बार आउट है। यहां से जोस बटलर का देखोगे आप लोग, अर्शदीप सिंह को एक बार, संदीप शर्मा है, ये सैनी नहीं है, ये बाय मिस्टेक है। रबाडा को अच्छा खेले, उसके अलावा राहुल चहर को इन्होंने दो बार विकेट दिए, 38 बॉल में 68 रन, दो बार आउट। स्पिनर्स के सामने वैसे अच्छा खेल लेते हैं लेकिन राहुल चहर के सामने फंसे। देवदत्त पेडिकल की बात करते हैं, चहर को अच्छा खेले हैं, पिटाई 200 के स्ट्राइक रेट से। रबाड़ा को अच्छा खेले हैं, संदीप शर्मा के सामने एक बार विकेट है, अर्शदीप सिंह को अच्छा खेले लेकिन एक बार विकेट फेंका है। सिमरन हेटमायर की बात करते हैं, ज्यादा मैचअप सिमरन हेटमायर के है ना, ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, ये थे प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब चलिए आपकी टीम कैसी होनी चाहिए इस पे हम लोग करते हैं चर्चा, डिस्कशन करते हैं कि किन किन प्लेयर्स को आखिर आप लोग अपनी टीम में इन्वॉल्व कर सकते हैं आज के फर्स्ट मैच में। देखिए दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन में बटलर, संजू सैमसन, जोनी बेस्टो, जितेश शर्मा मैं आपको स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूंगा, आप ड्रॉप कर सकते हो। यहां पे जोस बटलर, जोनी बेस्टो अगर ओपन करते हैं तो सिंपल सी चीज है, आप क्या कर सकते हो, जोस बटलर हो गया, जोनी बेस्टो हो गया, संजू सैमसन आपके पास एक ऑप्शन है, आप इजीली संजू सैमसन के साथ जा सकते हो। चलिए मैंने यहां से संजू सैमसन को ले लिया, कम से कम तीन में से दो को लेना अगर ओपन करते हैं। देखिए अगर ये नीचे आते हैं तो फिर आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इन दो के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर ये एज ए ओपनर यहां पर आते हैं तो वहां पर आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर सकते हो, अगर आप दो के साथ जाना चाहो, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन को मैंने यहां से ले लिया, देवदत्त पेडिकल को मैंने यहां से ले लिया। अब सवाल उठता है मयंक अग्रवाल, सिमरन हेटमायर, भानुका राजपक्सा, ये थोड़े से इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, मतलब अच्छे परफॉर्म करते हैं, अटैक करते हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी रहती है, आप सेफ्टी के लिए जाना चाहो जा सकते हो, बाकी मैंने इनको नहीं लिया। मैंने यहां से किसको लिया, अब देखिए अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है फिर भाई आप सिमरन हेटमायर के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर यहां पर पंजाब की टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कोई भी करे, अगर मयंक अग्रवाल एज ए ओपनर आते हैं उस वक्त आपकी टीम में मयंक अग्रवाल ही होने चाहिए, अगर ओपनर आते हैं, इस चीज का आप लोग है वो ध्यान में रखना। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, लिविंगस्टोन को ले लिया, रवि भाई, रविचंद्रन अश्विन एक बहुत बढ़िया आपके पास ऑप्शन बनते हैं, 60% लोगों ने अपनी टीम में रखा है, आफ्टरनून का मैच है, बढ़िया मैच हो सकता है रवि के लिए, आप लोग इजिली लेके जा सकते हो, बाकी यहां से मुझे कोई दिख नहीं रहा। रियान पराग अगर आप लोग ग्रैंड लीग में लेना चाहो, ऋषि धवन है, आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हो। उसके अलावा यहां से देखोगे बॉलिंग सेक्शन में यूजी को ले लिया, उसके अलावा मैंने यहां से रबाडा को ले लिया, उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करती है प्रसिद्ध कृष्णा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा ले सकते हो। मैंने ट्रेंट बोल्ट को ले लिया, उसके अलावा 8 क्रेडिट्स बचे हैं, 8 क्रेडिट्स में हम करें क्या, 8 क्रेडिट्स में हम यहां पे राहुल चहर, अर्शदीप सिंह को ले नहीं सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक चीज पता है, देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से बैटिंग सेक्शन में है वो मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करता हूं, उसके अलावा मैं यहां से चलिए एक बार क्लिक करूं नायर को लेता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, ये हो गए हमारे, अब एक प्लेयर हमें लेना 8.5 क्रेडिट्स में मिल जाएंगे। दोस्तों राहुल चहर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आफ्टरनून का मैच है, दैट्स व्हाई इज इंपॉर्टेंट है, बट अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करती है भाई, ये चेहरा अगर आप स्मॉल लीग में नहीं भी ले रहे हो, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, राजस्थान के अगेंस्ट काफी बढ़िया इनके स्टैट्स दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई पहले बॉलिंग में अच्छे यॉर्कर्स करते हैं, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगी, और राहुल चहर के ऊपर भी आप इसको ले सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा।
बाकी यहां से आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं प्रसिद्ध कृष्णा पहले बॉलिंग के दौरान आप लोग ले सकते हो। ये टीम का प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेकर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि इनकी जगह पे कोई भी आ सकता है, क्रेडिट का इश्यू है इसकी वजह से मैंने इनको लिया है। मैं शायद लास्ट टाइम पे इसको ड्रॉप कर दूं संजू सैमसन को, या फिर मैं किसी मतलब ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि करना पड़ेगा, ये जाहिर सी चीज है। यहां पे मैं जोनी बेस्टो को ड्रॉप कर सकता हूं, ये हो सकता है। तो ये इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैप्टनसी मैक्सिमम लोग यहां से आएंगे, कैप्टनसी हमने जोस बटर को दे दी। फर्स्ट इनिंग्स में अगर पहले बैटिंग करती है राजस्थान की टीम इंपॉर्टेंट रहेगी, शायद सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जोस बटलर को, फर्स्ट इनिंग्स में हो गए। वाइस कैप्टनसी मैंने क्या किया, वाइस कैप्टनसी देखिएगा, अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग कर जाए तो आप इजिली क्या कर सकते हो, आप इजिली यहां पर रबाडा को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो अगर यहां पर पहले बॉलिंग करती है। उसके बाद यहां पर आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं वो आप अगर ये ओपनिंग करते हैं तो आप जोनी बेस्टो को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक चीज, अगर ये ओपन करते हैं, अगर नीचे आते हैं फिर आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो, इस चीज का भी ध्यान में रखना। अगर ओपन करते हैं तो आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो जल्दी से जाइए जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।